सर देखिए क्या हुआ कि करने को तो मैंने इंजीनियरिंग की थी, मेरा पैशनेट एक्चुअली म्यूजिक था, मैं म्यूजिक करना चाहता था, म्यूजिक मेरा पैशन था। तो सर लगा क्या सर आ गए, बस सर बॉलीवुड अपना ही है तो आ गए। सर आप बताइए कब आपको लगा कि ये बन सकते हैं बड़े रैपर और किस तरह से आपने काम किया? फर्स्ट टाइम कॉलेज में मैंने बिल की मुलाकात हुई, ये बीटेक में थे और मैं बिल मेकिंग वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी से की है और हम लोग जगह बैठे हुए थे वहाँ पे सारे दोस्त लोग आए, मेरे फ्रेंड डिजाइनर थे वो लोग उनको लेके आए कि बैठते हैं, मैंने कहा जूनियर लोग क्या लेके बैठे हो, तो फिर बैठो एक लड़का अच्छे गाना आना रहेगा सर, मैंने कहा ठीक है। तो इसने रैप किया, इंग्लिश में रैप किया, इंग्लिश बहुत अच्छा रैप करता है उसको हिंदी, तो मैंने बोला भाई हिंदी का बॉलीवुड है इंग्लिश भी चले गए, हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड, तो जाके इसने हिंदी भी तैयार किया हिंदी में और बहुत अच्छा इसने वहाँ पे रैप किया, मुझे इतना अच्छा लगा मैंने कहा मैं बॉलीवुड मुझे जाना ही है एक साल बाद वहाँ पे यहाँ पे कॉलेज खत्म करने के बाद, उसके बाद फिर मुझे अपना करियर स्टार्ट करना, बट मैंने सोचा कि जब उसका खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इनको लेकर आऊँगा, पहले इन्हें चार बार ठीक है मेरा भी करियर है आगे ढूंढकर, जो टैलेंट इनके पास है वो मेरे पास नहीं था, वो टैलेंट मेरे पास नहीं है वो इनके पास है, तो मैंने कहा इस टैलेंट को पब्लिक के सामने दुनिया के सामने सबको दिखाना चाहिए, यार ये लड़का इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना है रैपिंग के लिए बना है, रैप का मे भी अगर आप लोग का साथ रहेगा सबका सपोर्ट रहेगा तो ये शायद एमिनम से मतलब एमिनम को गॉड मानते हैं ये, तो काफी अच्छा रहेगा अच्छा जाएगा, बाकी काफी तैयारियां हैं। मैडम आप भी जानना चाहूँगा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इस गाने को? Experience was quite good. I enjoyed shooting for this song, and I mean, I am into modeling since almost 1.5 years now. So I love the video, I love the camera, and the camera loves me back. So I just love shooting for this one. It was awesome. Ankur ji, Prashant, dono bahut acche insaan hai, and I had a really really good experience shooting for this song. And I hope आप लोगों को पसंद भी आ रहा है गाना, so let's hope for the best. सर ऑलरेडी जी म्यूजिक में गाना लॉन्च हो चुका है तो किस तरह कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है आपको? कॉम्प्लीमेंट तो सर अभी आप ही लोग दे रहे हैं, फिलहाल मैं यही बैठा हूँ, मैं तो कहीं बाहर गया नहीं हूँ, सामने लॉन्च हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे अच्छे मिल रहे हैं सर आप लोगों से। सर आप कुछ कहना चाहिए? जैसे कि इस गाने का कोरियोग्राफर मैं हूँ, तो स्टार्ट में जब मैं गाना सुना, अंकुर ने मेरे पास गाना लाया कि ऐसा ऐसा गाना करना है, तो मैंने पूछा कि डांस करता है कि नहीं जोकर, पहले से स्टाइल वगैरह है कि नहीं, तो स्टार्टिंग में तो नहीं था, लिरिक्स वाइज हम लोग को हर एक टेक्निकल टाइम पे हम लोग को देखना पड़ता है कि उसको स्टाइलिंग देना है कैसे लॉन्च करना है, तो हम लोग इसमें अंकुर और हम लोग बैठ के पूरा प्लानिंग करते थे रात भर कि कैसे क्या करना है डे नाइट। जहां तक कि अंकुर का सवाल है, उन्होंने ड्रेस से लेके प्रॉपर्टीज से लेके कैमरा से लेके हर डिपार्टमेंट में उनका ओवरसीज रहा है हर चीज में, और जो कि हम लोग ने इसको 4-5 दिन रिहर्सल्स किया मैडम के साथ भी और इनके साथ भी, तो जी जान से लगा कि हम लोग ने किया बहुत कम टाइम में 2 दिन में, हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए लेकिन उसको निकालते हुए अंकुर एंड टीम AKR फिल्म ने बहुत, इनका टीम बहुत स्ट्रांग है, इनके लोग प्लान्ड है कि शॉर्ट डिविजन ब्रेक डाउन सर ये लाइन में ये करना है ये लाइन में ये करना है, एवरीथिंग इज फाइन ट्यून। आगे भी हम लोग बहुत सारे गाने का प्लानिंग है, तो हम लोग बैक टू बैक फील्ड पे हैं, बाकी आप लोग का आशीर्वाद रखिएगा, थैंक यू। सर गाड़ी में 2-4 स्पीकर लगाते, जितने भी लगा सर यहाँ पे 2 ही लगे, 2 स्पीकर 4 स्पीकर नथिंग सर, 2 स्पीकर गाने पर स्पीकर 2 ही पे सुनते सर, स्टूडियो स्पीकर होते सर एक सिंगल एक राइट स्पीकर में 2 ही होते हैं ना, मेरे होते सर लेफ्ट राइट बस वही 2 स्पीकर है। आपके बाजू में कई सारी महिला है तो कैसा राइट सर? महिलाएं हैं वो फिरंग सर फिरंग नहीं सर अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा सर, वो भी अच्छा लोकेश जी का बहुत बड़ा साथ रहा है हमको ये गाने में, जो रिक्वायरमेंट था हम लोग का हर एक रिक्वायरमेंट जगह पे उन्होंने फुलफिल किया है ना अंकुर जी, हाँ बहुत सपोर्ट रहा हर मैन पावर से लेके हर चीज से। सर वो कहते हैं ना कि जो इंजीनियर होता है उसको इंजीनियरिंग छोड़ के सब आता है, वो इंजीनियर तो बेस्ट होता ही है, वो मतलब सब कुछ कर सकते हैं, इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग सर, मतलब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बीटेक किए होंगे पढ़ाई की होगी उन्होंने डिप्लोमा किया होगा, तो सर ये लाइफ ही बेस्ट होती है सर, इंजीनियर्स की लाइफ ही बेस्ट होती है और इंजीनियर्स ही ऐसी चीज होती है जो सब चीज कंपेटिबली कर लेते हैं, आप सीखना चाहते हो और सर मैं ये कहूंगा आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो सर, बस आपके पास विल पावर होना चाहिए विजन होना चाहिए और आपको सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और किस चीज की आप किस चीज की जरूरत है वो जानना जरूरी होता है मेरे सर,
बस सर यही है। इसके बाद के गाने आप बिलीव नहीं करेंगे, और तूफान मेल गाना है सर इसके बाद, बैक टू बैक तूफान मेल गाने। बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रैक बना करके सर, रियल नाम मेरा प्रशांत ओम तिवारी है और इलाहाबाद से हूँ मैं, और घर बार सब कुछ सपोर्ट है। और सफर कैसा रहा इलाहाबाद से बॉलीवुड सर? इलाहाबाद से सफर तो बहुत अच्छा रहता है सर, ऐसे फ्लाइट पकड़ने में लखनऊ जाते फिर लखनऊ से आ जाते हैं यहाँ पे। इलाहाबाद वाले तो ही आप चार दिखा रहे सर, कुतुब मीनार सर भाई है सर, इलाहाबाद लेडीज वाइज सबको प्रमोट कर रहे हैं सर, टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। जी 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 भी सर, वो तो हमारी माता सर उनके लिए तो हमेशा जान कुर्बान है, और मेन वही है तो सर हम है, और बाहर वहाँ पे जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग सर, वो लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर ले रहे हैं सर, हम लोग तो कर ही रहे हैं, और बाकी सब लोग करते हैं सर, देश के लिए तो हर कोई कर रहा है। और सर गाना बहुत प्यारा है जो 26 जनवरी को आएगा, और वो गाना आप लोग जरूर सुनिएगा, और वो पूरा देश पे और माँ के लिए गाना है। क्या होगा हाँ मैं कुछ शब्द बता देता हूँ, लिरिक्स समथिंग पूरा सुनाता हूँ। हम वीर हैं, हम वीर हैं, हम भारत माँ के शूर वीर है, हम में दम चल हर कदम, हम भारत की तकदीर है, जो मर मिटे तो नसीब है, जो मर मिटे वो शहीद है, पर खा के गोली लहू से खींची लक्ष्मण की लकीर है। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, सो मैं नहीं ज्यादा कुछ सुनाना चाहूंगा, और एक्चुअली मुझे उतना याद भी नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल हो जाती हैं, तो मैं बस 26 को सर आप लोग गाना सुनिए, इतना काफी है।